हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोनसाई अनलीश्ड। आज की वीडियो में काम करेंगे क्लोरोडेंड्रम प्लांट के ऊपर, जिसे डमडम भी बुलाया जाता है। यह प्लांट एक बुशी प्लांट है, लेकिन इसको बोनसाई के लिए ट्रेन किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जितनी भी प्रूनिंग करते रहें, इसको जितना भी कट करते रहें, ये उतनी कॉम्पैक्ट शेप लेता जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्लांट आप देख सकते हैं कि कितना ना वो कोई शेप इसकी ट्री वाली नहीं आ रही, इसलिए हम इसको कट करेंगे। कट करने के लिए हम देखते हैं कि इसकी बेस ये सीधी जा रही है ऊपर, फिर यहाँ पे आके दो ब्रांचेस एक इस तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, एक साइड पे जा रही है। अब जो ये वाली ब्रांच है ना, ये बहुत सीधी सी ब्रांच लग रही है, इसके अंदर कोई शेप कोई वो ट्री वाला इफेक्ट हम दे तो सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप इसको यहाँ से कट करेंगे, ये वाली ब्रांच के ऊपर काम करेंगे, फिर आगे से जो कुछ भी बनता है उसके अकॉर्डिंगली। तो जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया ब्रांच, मैंने ये वाली ब्रांच सेलेक्ट किया, बाकी इनको काट देंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ से ये इसकी ट्रंक बन जाएगी, ये इसका ऊपर से पार्ट बन जाएगा जिसको आगे जाके टेपर करेंगे, और यहाँ पे ब्रांचेस ग्रो होंगी, होप सो, तो उस पर काम किया जा सकेगा। मुझे यही लग रहा है कि इसको बड़ा हार्ड कट देना पड़ना है, एक बिल्कुल इसके ऊपर कोई पत्ता नहीं बचेगा। तो मौसम भी साजगार है, स्प्रिंग है, तो इसमें हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले ये देख लें, नर्सरी ने इसको ग्रो बैग में यूज़ किया हुआ है, तो अच्छी खासी इसकी रूट्स बाहर निकली हुई थी, तो रूट्स पे भी काम किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, ये वाली ब्रांच कट करेंगे, ये वाली ब्रांच कट करेंगे, और इसको कट करेंगे। ये कट करते हैं, तो ये ब्रांचेस हमने कट कर दी हैं। इसके बाद इसकी शेप जो है वो काफ़ी हद तक ठीक लग रही है, क्योंकि अब यहाँ से ये ट्रंक जा रही है, इसके आगे यहाँ पे जो ग्रोथ होगी, क्योंकि इसको कट कर सकते हैं, ये मौसम भी अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके ऊपर ब्रांचेस जो हैं न्यू निकलेंगी, शूट्स न्यू ग्रो करेंगी। तो इसको अब हम तकरीबन यहाँ से रख कर इसको काट देते हैं, और फिर इसको प्लांट करेंगे, थोड़ा डीप पॉट देंगे ताकि न्यू ब्रांचेस ग्रो सकें। अभी इसको बोनसाई ट्रे वगैरह के अंदर कुछ ऐसा सीन नहीं करना, पहले इसको ग्रो होने देना है अच्छे तरीके से, उसके बाद सोचना है कि आपने इसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है बोनसाई ट्रे के अंदर। तो जब भी आप ऐसे ब्रांचेस कट करने लगें, किसी भी प्लांट के ऊपर बोनसाई आप ट्रेन करने लगें, तो घबराएं ना बिल्कुल भी, क्योंकि ट्री का काम है उसने ग्रो करना है, तो सर्वाइव कर देते हैं, ये नेचर के अंदर भी ऐसे ही ग्रो करते हैं और सर्वाइव करते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स होते रहते हैं, सैलाब आते हैं, विंड स्वेप्ट होता है, सब कुछ होता है, तो हमने करना भी यही होता है बोनसाई के अंदर। आपने ऐसे ही दिखाना होता है कि जो ट्री है वो बड़े मुश्किल हालात से गुजरा हुआ है, जिसके बाद उसकी ये शेप बनी है, उसमें नेचुरल इफ़ेक्ट भी आ जाएगा और वो आँखों को भी अच्छा लगेगा। तो अब इसको कट करते हैं यहाँ से, उसके बाद इसकी रूट्स के ऊपर नज़र डालेंगे कि वो उनका क्या सूरत हाल है। बाकी जो कुछ हमने कट किया है ये ज़ाया नहीं जाती हैं चीज़ें, ये क्लोरोडेंड्रम है, इसकी कटिंग्स बड़ी आसानी से लग जाती हैं, अभी बच्चा भी लगाएगा तो लग जाएंगी, तो इसकी कटिंग्स लगाएंगे, होप सो वो भी ग्रो करेंगी और आगे उन पर भी काम किया जा सकता है। हाँ जी, आखिरकार हमारे पास ये शेप बनी है, अब तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कट कर देना। अब इसकी रूट्स को देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा इसकी रूट्स का क्या सूरत हाल है। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है इसके काफ़ी अच्छी रूट्स होनी है, क्योंकि ये प्लांट्स जो है ना, इनकी रूट प्रूनिंग जितनी आप करती रहेंगे क्लोरोडेंड्रम की, डमडम की, जितनी आप इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे, जितना आप इसकी शूट प्रूनिंग करेंगे, ये और बढ़ता जाएगा और बुशी होता जाएगा और पपेरी बोन्स इफेक्ट इसके अंदर आता जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। तो अब मैं इसके ये ग्रो बैग को खोलता हूँ, रूट्स देखते हैं। ग्रो बैग हमने निकाल दिया इसका, इसकी आप देख सकते हैं काफ़ी इसकी फाइबर रूट्स ग्रो की हुई हैं। इसमें ये भी एक चीज़ ऐड कर दें कि जो रूट्स होती हैं प्लांट की,
वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं फाइबर रूट्स, जो ये आप रूट्स देख रहे हैं बारीक बारीक होते हैं रेशम की तरह, और एक होती है ये टैप रूट। टैप रूट जो होती है ये पौधे को ज़मीन के अंदर बरकरार रखने के लिए होती है। ये पौधे को हवा से, तेज़ हवा से बचाती है, सैलाब आप कह लें ज़्यादा पानी आ जाता है तो नेचुरल जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे बचाती है, उसको ज़मीन में बरकरार रखती है। पौधे ने जो खुराक होती है वो फाइब्रस रूट से लेनी होती है। तो जब तक हम इसकी फाइब्रस रूट्स को ज़्यादा तंग नहीं करते, पौधे के चांसेस बहुत होते हैं कि वो उसको बच जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। और क्योंकि हमने इसको शैलो पॉट में कन्वर्ट करना होता है, बोनसाई को हमने शैलो पॉट में रखना होता है, इसलिए हम इसकी टैप रूट काटते हैं कॉम्पैक्ट ज़्यादा बनाने के लिए इसको। तो अभी इसकी इसको अलग करते हैं ज़रा मिट्टी को, इसके थोड़ी टैप रूट्स जो हैं उसको काटेंगे, देखेंगे क्या हो सकता है। तो देख लेंगे फिर। नर्सरी वालों ने ना ग्रो बैग के अंदर काफ़ी नीचे करके प्लांट को लगाया होता है, जिससे आप देख सकते हैं अब ये जो सारी ये एरिया है ये इसका ट्रंक ही है, यहाँ से अब ग्रो की हुई है ये। तो फ़िलहाल हम इसकी ये वाली टैप रूट काटते हैं, ये वाले फाइबर रूट्स जो हैं इसको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ से खुराक लेता रहेगा। बाद में जब नीचे से फाइबर रूट्स यहाँ से ग्रो करेंगी, वक्त के साथ साथ हम इसको ऊपर ज़्यादा उठाते जाएंगे तो वो काम होता जाएगा फिर। तो अभी आपको दिखाते हैं इसको कट कैसे करना है। इसको आपने यहाँ से ऐसे टैप रूट को कट कर देना है, ये टैप रूट कट होगी। अब टैप रूट जो है वो वापस दोबारा ग्रो नहीं करेगी, फाइबर रूट्स ग्रो करती रहेंगी, तो इसी से प्लांट बढ़ता रहेगा। इसको मैंने काफ़ी देखा है तो मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ वो ये है कि इसको जब हमने शैलो पॉट में लेके जाना है ना, इसने हमें बड़ा तंग करना है, क्योंकि इसका जो ये हिस्सा है ये सारे का सारा यहाँ पे रूट्स ग्रो हुई हुई हैं और ये कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं हुई, रूट्स का भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी ये रूट्स काटनी हमें पड़नी है, ऊपर से स्टाइल भी हमें इसका थोड़ा चेंज करना पड़ना है, वो भी इसीलिए कि प्लांट की हाइट जो है वो काफ़ी लंबी हो जानी है और नीचे से इसका कोई वो वाला इफ़ेक्ट नहीं आना। तो अभी इनको काटते हैं, देखते हैं फिर वक्त के साथ साथ क्या होता है, अपडेट आपको साथ साथ देते रहेंगे। तो बोनसाई बस ऐसे ही ना आपने ट्राई कर करके आपने चीज़ें सीखनी है, ज़रूरी नहीं है आप हर दफ़ा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अगर आपको थोड़े बेसिक्स मालूम होंगे तो प्लांट के मरने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसको काटते रहेंगे। ऐसा करेंगे कि इसकी जो शेप है ना, वो जो ये वाली ब्रांच है इसको इसी तरह रहने देंगे, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आएंगे ताकि फ्यूचर में यहाँ से अगर ग्रो करती हैं ब्रांचेस तो इसके ऊपर कैनेपी बन सके और एक मैच्योर ट्री की फॉर्म ले सके ये। तो कट करते हैं इसको। आपने कोशिश करनी है जब भी आप कट करने लगें आप देखें कि ब्रांचेस के ऊपर आई बॉल्स कहाँ पे हैं, ये वाली ये आई बॉल्स जो शूट्स होती हैं न्यू वो यहाँ से ग्रो करेंगी, तो आपने इनको देखते हुए ही कट करना है। इसको कट करते हैं, ये हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब इसको पॉट कर देंगे, बाकी काम नेचर पे छोड़ देते हैं। मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है, इसके मैंने नीचे सुराख कर दिए थे तो उसको कवर भी कर दिया ग्रिड से। सॉइल के अंदर मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया है, 50% इसके अंदर कंपोस्ट लिया है, क्योंकि क्लोरोडेंड्रम है जो इसको फर्टिलाइज़र जो है बड़ा अच्छा लगता है। तो जो सैंड लिया मैंने, जो गार्डन सॉइल लिया मैंने, उसके अंदर मैंने रेत भी मिक्स की थी
सैंड भी मिक्स की थी जिससे पोरोसिटी बढ़ जाएगी सॉइल की और प्लांट जो है वो वाटर क्लॉगिंग नहीं होगी। अब इसको प्लांट करेंगे। रूल आपने रखना है कि आपने पानी देने के लिए जगह छोड़नी है कम से कम 1 इंच, जिससे जो आपका पौधा है ना आप कोई पानी देते हुए कोई मुश्किल ना हो और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। तो यहाँ पे ये ठीक है, इसको पॉट कर देते हैं। आपने किसी चॉपस्टिक की मदद से मिट्टी को बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ताकि कोई एयर पॉकेट ना बचे जिससे वाटर क्लॉगिंग हो सकती है। देख सकते हैं आप, पानी के लिए भी जगह बच गई है। हमने बस ये करना है कि जब पानी यहाँ तक फिल हो जाए, एक डेढ़ इंच आइए, तो आपका पानी देने का भी जो प्रोसेस है वो भी इजी हो जाएगा। यहाँ पे जी हमारा प्लांट पॉट हो गया है। अब मैं इसको सबसे फर्स्ट टाइम एंटी फंगल डाल के पानी के अंदर वो इसको वाटर करूँगा ताकि जो फंगस के चांसेस हैं वो कम हो जाएं। स्प्रे भी कर सकते हैं जिससे यहाँ पे भी फंगस के जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। शुक्रिया, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नई वीडियो में।